वैसे तो मृत्यु भोज को सामाजिक कुरीति माना जाता है, पर बंदर की मौत के बाद मृत्यु भोज करना धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया। गुर्जरों का खेड़ा गांव में लंबे समय से रह रहे बंदर के कुत्ते की चपेट में आने से मौत हो गई। उसके बाद उसका हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। बालाजी का रूप माने जाने वाले वानर के प्रति ग्रामवासियों का प्रेम व जीवदया धार्मिक आस्था को दर्शाता है। उसी के चलते गांव के 2 दर्जन लोगों ने सर के बाल त्यागे और अंतिम संस्कार कर अस्थियों को चंद्रभागा नदी में विसर्जित किया। वहीं आज बंदर का मृत्युभोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पर बंदर का मृत्युभोज करना आस्था के साथ साथ सामाजिक कुरीति को भी बढ़ावा देने जैसा है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व सर्व हिंदू संगठनों ने लक्ष्मण सिंह पर निराधार मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए कोटा पुलिस द्वारा संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने के विरोध में नगर बंद करने का आह्वान किया था। उसी के चलते गंगदार व चौमेला कस्बा आज पूर्ण रूप से बंद रहा। दोपहर को कृषि मंडी के सामने धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाते हुए कहा कि लक्ष्मण सिंह को कोटा पुलिस द्वारा बिना वारंट गलत तरीके से बंदी बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा। शीघ्र रिहा करने की मांग करते हुए रिहा नहीं करने पर आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि 23 जून को अंजुमन कमेटी गंगदार द्वारा लक्ष्मण सिंह पर ख्वाजा गरीब नवाज पर आपत्तिजनक पोस्ट करने व धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाकर थाना प्रभारी गंगदार को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज करवाया था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। चौमला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। इसमें एक यहाँ का स्थानीय व्यक्ति लक्ष्मण सिंह करके उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार 3-4 दिन से कमेंट्स अनावश्यक कमेंट्स और समाज विशेष में उसके आक्रोशित था। उन्होंने इसके आधार पर कार्रवाई भी की। इस आधार पर हमें केस रजिस्टर्ड हुआ। उस केस के इन्वेस्टिगेशन में हमने लक्ष्मण सिंह को डिटेन किया है और लक्ष्मण सिंह के केस के संदर्भ में लोगों ने यहाँ करके के साथ अपना ज्ञापन दिया, उसका अपना पक्ष रखा है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो सही है वो किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के सर लक्ष्मण सिंह के अलावा और को भी डिटेन किया? देखिए, इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी सोशल मीडिया पर अनाउंस। झालरापाटन के सीमावर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश के गरोठ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध किसान की मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर घायल है। घायलों में एक वृद्ध की हालत गंभीर होने के कारण उसे कोटा रेफर किया। एक युवक का उपचार झालावाड़ के अस्पताल में चल रहा है। घटना के तहत तीनों झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के झटका लग गादिया गाँव के रहने वाले हैं। झालावाड़ अस्पताल चौकी पुलिस ने सुबह मृतक श्याम लाल पुत्र रामचंद्र के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। अस्पताल चौकी पुलिस प्रभारी महेंद्र मीणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के झटका दी गदिया गांव के रहने वाले किसान श्यामलाल पुत्र रामचंद्र, घनश्याम पुत्र जानकीलाल अपनी अश्वगंधा की फसल बेच के गांव के लिए ही रवाना हो रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गई। झालरापाटन से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। संगीत के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संगीत में वो जादू है जिससे इंसान तो क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। यह बात मेवाड़ विश्वविद्यालय में आयोजित हुई संगीत संध्या में कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने व्यक्त की। कहा कि विश्व संगीत दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हमारी संगीत विरासत से जुड़े और उसे आगे बढ़ाएं। विश्वविद्यालय फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट के तत्वाधान में महाराणा प्रताप सेमिनार हॉल में विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में संगीत संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्वागत आर्ट कल्चर और म्यूजियम की महानिदेशक एमिरेट्स प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा सिंह ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में संगीत विभाग के प्रवक्ता हरिओम गंधर्व ने गिटार के साथ शानदार प्रस्तुति दी। हॉल तौलियों से गूंज उठा। फाइन आर्ट के ब्रांच मैनेजर अमित कुमार चेचानी ने अपनी दिलकश आवाज में गीत गाया तो श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम में योग विभाग के योग ट्रेनर बप्पा विश्वास ने भी देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। संगीत के विद्यार्थियों ने भी बांसुरी की धुन पर गीत सुनाया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर फाइन आर्ट विभाग डीन प्रोफेसर डॉक्टर त्री गुणातीत जेमिने ने सभी प्रतिभागियों, पधारे हुए अतिथियों व उपस्थित श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नृत्य विभाग के प्रवक्ता वृष भानु नंदिनी झा ने किया। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। कामखेड़ा बालाजी के पावन धाम पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री राम कथा चल रही है। तीसरे दिन की कथा में कथावाचक ने बताया कि भगवान को याद नहीं करना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं उसी समय जगत के सारे संकट हमारे जीवन में आ जाते हैं। बताया, बालाजी के दर्शन करना अच्छी बात है, कामखेड़ा बालाजी की यात्रा करना अच्छी बात है, पर बालाजी की बात नहीं मानते हैं तो फिर यह सब करने का ज़्यादा फल नहीं मिलने वाला है। अगलेरा से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल।
नारायण इसरो अकलेरा के मीटिंग सभागार में जिला झालावाड़ व जिला गुना राजगढ़ व आगर मध्य प्रदेश राज्य के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित हुई। इसमें जिला झालावाड़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षिका ऋचा तोमर, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, आरबी सिंदोस्कर, संयुक्त कलेक्टर गुना पल्लवी शुक्ला, एसडीओपी ब्यावर दिनेश कुमार शर्मा, एसडीओपी राजगढ़ दिव्या सिंह राजावत, एसडीओपी चांचोड़ा कैलाश चंद जाट, वृत्ताधिकारी अकलेरा हेमंत कुमार, वृत्ताधिकारी मनोहर थाना, लक्ष्मीचंद वर्मा थाना अधिकारी अकलेरा, अजय शर्मा थाना अधिकारी भालता, मोहम्मद शरीफ थाना अधिकारी घाटोली, विजेंद्र सिंह थाना अधिकारी जावर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु राजस्थान मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र में कानून व्यवस्था, अवैध मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी, असामाजिक तत्वों, वांछित अपराधियों की निगरानी व जानकारी एक्सरसाइज पर नियंत्रण कर संयुक्त कार्रवाई व अंतर्राज्यीय नाकाबंदी स्थानों के बारे में चर्चा कर दोनों राज्यों की प्रशासनिक पुलिसिंग व्यवस्था में आपसी सामंजस्य व समन्वय बनाए रखने हेतु समस्त जानकारियों को साझा किया। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। पुलिस थाना घाटोली द्वारा अपहरण के आरोपी को 12 घंटे में गिरफ्तार करने व अपहरण को मुक्त करवाने में सफलता हासिल हुई है। सूदखोरी के लिए अपहरण किया गया था, जिसमें 12,000 रुपये देकर 1,00,000 रुपये लेने के लिए अपहरण करना बताया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस थाना घाटोली पर 21 जून को 5,000 रुपये देकर 1,00,000 रुपये सूदखोरी के लिए किया गया अपहरण के आरोपी भरत सिंह पुत्र जमनालाल जाति मीणा 35 वर्षीय सलावत थाना घाटोली जिला झालावाड़ को गिरफ्तार कर मुलजिम के कब्जे से अपहृत बाबूलाल को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्पास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द